टू आवर चैनल गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये मेरी सुबह की आँख अभी तक खुल नहीं रही है, अभी सुबह के जैसे मतलब 7 बज रहे हैं। तो आज का ब्लॉग जो होने वाला है वो होने वाला है करवा चौथ स्पेशल। तो हम आपको दिखाएंगे करवा चौथ में हम क्या क्या करने वाले हैं, स्पेशली मी। अभी तक मेरे हाथ में देखो मेहंदी नहीं लगी है, तो आज मैं मेहंदी लगाऊंगी, तैयार होंगी। अभी तो मुझे ऑफिस भी जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे छुट्टी तो है बट थोड़ा सा काम भी पेंडिंग है, तो वो भी करना है। तो बाकी आपको मेरे पति देव दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि वो भी सो रहे हैं, अभी वो थोड़ी देर में उठ जाएंगे तो वो आपको टेक केयर करेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी वाइफ आ गई है नहा धो के तैयार होके। हाँ तो फिर क्या पहनने वाले हो आज आप? वैसे मानी मिसेज हिमानी, माय वाइफी, आप तो तैयार हो गए, दिखाओ जरा अपना सूट। अरे वाह वाह, क्या बात है, कैसी लग रही हो? ऑसम। सिर्फ ऑसम? सिर्फ ऑसम नहीं होता बेबी, ऑसम इज लाइक ऑसम। यस, सुंदर तो आप पहले सुंदर तो आप पहले से ही हो, डार्क सूट अच्छा लगता है ब्राइट टोन। और जोर से बोल दो, अब तो जोर से सुनाई देगा सबको, है ना? चलो ठीक है, अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आ गए तो आई विल बाय यू अ नाइस माइक्रोफोन, ओके? अब तो गाइस आपको 500 व्यूज और लाइक्स तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है? बाकी गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मेरा सूट जो है बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है? और मैं आज मेहंदी लगाने जाऊंगी, अपने छोटे छोटे हाथों में मेहंदी लगाऊंगी और हम मेला घूमने भी जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ओके डन। तो गाइज आप लोग इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहे। और हाँ, मुझे एक चीज़ ना क्लियर करनी है यार, पिछली वीडियो में ना एक्चुअली वॉइस का थोड़ा इशू हो गया था, तो एक्चुअली जो मैंने वीडियो डाउनलोड करी थी ना वो बिल्कुल सही थी, फ़ोन में बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही थी उसकी, पर जो यूट्यूब में डाली ना उसमें थोड़ा साउंड इशू हो चुका है ना, तो इस बार कोशिश करेंगे वैसा कोई इशू ना हो। तो अभी हम ऑफिस से निकल चुके हैं ब्रांच से। अभी देखो मेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं लगी है यार, इन लोगों के साथ ना मैं चप्पल सैंडल बूट जो भी देखने हैं देखने आई हूँ। अभी हम हैं विपाशा मार्केट, हैप्पी भाई की शॉप है, तो यहाँ पे शूज़ चप्पल बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है? कि अभी हम हैप्पी भाई के शूज़ की दुकान में घुस चुके हैं और इनकी शूज़ की दुकान बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत अच्छे सामान मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छी कलेक्शन है। पसंद आया? नहीं। क्यों? इतनी अच्छी शॉप तो है, क्यों नहीं पसंद आया? पसंद आया था। दिखाओ अपने पैर, दिखाओ। छोटे छोटे से पैर है आपके, क्यों से? मेरा मैम आपको पसंद नहीं आया? ओहो, ये तो दुकान की दुकान बन गई है, कितनी अच्छी शॉप, कितने प्यारे प्यारे शूज है बच्चों के, ये मैं कुकू के लिए ले सकती हूँ अगर इनमें साइज हुआ तो, बट इनमें साइज नहीं है यार, ये भी तो कितने प्यारे हैं। कर चुके हैं हैप्पी भाई की शॉप से, इन लोगों को कुछ भी पसंद नहीं आया पता है, फालतू का टाइम वेस्ट करती है रहकर। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद मेहंदी लगाने के लिए। The vlog continues guys. Hey Himani dada, the star. अब हम जा रहे हैं मेहंदी लगाने। एक आप ना एक टिकिया बांधो। ड्यूटी
हेमानी का नंबर नहीं आ रहा। हेमानी बहुत सैड फील कर रही है। बहुत सारी लड़कियां लाइन में खड़ी हुई। हेमानी हेमानी कितना टाइम लगेगा? एक घंटा। कहाँ है वो भी लगाएंगे? ये हमारी स्माइली भाई भी नहीं नहीं भाभी कोई बात नहीं आ जाओ। हमारी स्माइली भाभी इज हियर। ओह यस, आप भी लगाएंगे हाथों में मेहंदी? दिखाइए अपने हाथ। आप भी दिखाइए। लेकिन टाइम लगेगा, क्या करेंगे? कोई बात नहीं, तो वेट करो। कितना टाइम लगेगा? एक घंटा नहीं खड़े रहने वाला यहाँ पे। ये है हमारे कुल्लू का शहर दोस्तों। यहाँ पे आदमी भी निकलते हैं और गाड़ियाँ भी एक साथ। अभी तक लड़कियों को मेहंदी लगाने वाला नहीं मिला है। अभी तक लगाने वाला है लेकिन टाइम नहीं मिला। कितना टाइम चाहिए? सारे लोग आजकल लगाने। भाभी क्या हो गया? भाभी भाभी की नजर कहीं और ही जा रही है। आने वाले हैं। आगे हैं। कहाँ कहाँ? पीछे। किधर? अरे पॉकेट में रखना, चेक करना। भाभी की मेहंदी लग रही है। क्यों कहाँ? आगे तो आगे जाएंगे। कहाँ तक लगानी मैम आपने? मैम क्या हो फिर आप? आए आए यहाँ तक ठीक है ना? नहीं तो ये फॉल करेगा इस पे। हाँ। भाभी आप कहाँ तक लगा रहे हो फिर? बस छोटे छोटे हाँ। पीछे तक नहीं लगा रहे? नहीं, कम कम लगाऊंगी। कम कम हाँ। मुझे भी गोली लगाना है। फॉल करेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये। तभी मैंने कम लगाई है ना। कोई बात नहीं, मेहंदी लगाना है रवि मेहंदी के पास। अभी भी हमने देखना शुरू किया है। आदित्य होटल के आसपास है, पता लग जाएगा। फाइनली मेहंदी लगी गई। कल से लगे वेट कर। कितनी देर वेट किया आपने? एक घंटा? 24 घंटे नहीं यार, आधा घंटा ही वेट किया आपने। अच्छा आर्टिस्ट मिल गया आपको टाइम से। भाभी का कुछ और ही डिजाइन है, आपका कुछ और ही डिजाइन है, आंटी जी का कुछ और ही डिजाइन है। आंटी बेल बना रही है। वाह, इस हाथ में कुछ मेहंदी अच्छी लग रही है, ज्यादा ही अच्छी लग रही है। ब्लशिंग ठीक है, एंड रिजल्ट दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को। ठीक है, हेलो गाइस, साहिल है। थैंक यू, हमारी लास्ट वीडियो को देख के आपने हमें बहुत सब्सक्राइब किया, लाइक किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे अच्छे टिप्स शेयर करना शुरू करूँगा फॉर ऑल दी बॉयज, एस्पेशली ऑल दी मैन हु आर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
फियर। मुझे वेट करते हुए अभी सिर्फ कितने मिनट हुए, 10 मिनट हुए, देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। तो प्रोग्रेस तो जल्दी आएगी ना। हाँ यार काफी टैलेंट है। टैटू बनाने चाहिए भाई को। है भाई कभी टैटू बनाने के बारे में सोचा आपने? नहीं सीधे ही नहीं। टैटू अलग है और ये मेहंदी का अलग होता है। अच्छा ये कौन सी मेहंदी लगाई हुई आपने? ये कोकिला मेहंदी है, पाउडर आता है इसका। कोकिला नहीं मतलब अरेबिक है। कौन सी डिजाइन? ये अरेबिक नहीं है, इंडियन है। देखते हैं भाभी का क्या प्रोग्रेस है। भाभी दिखाइए अपने प्यारे प्यारे हाथ। ओह माय गॉड, मुझे खाते में लग गई है। ये वाले आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। सब की हालत खराब हो गई आर्टिस्ट तो यहाँ सारे। कितने लोगों ने बनाई भाई आपसे मेहंदी आज के दिन? कोई पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। हमारे साइड के आर्टिस्ट ना बहुत शर्माते हैं, बट नो इश्यू, काम बहुत अच्छा भी होता है। लुक एट दैट, वाह। अच्छा ये कितनी देर तक रखनी पड़ेगी हाथ पे? ये 10 मिनट सिर्फ। ठीक है गाइस, आपको एंड रिजल्ट दिखाएंगे दोनों लेडीज का। हाँ भाभी जी, वाह। हाँ जी दिखाओ। आंटी जी ओ हाथ उल्टा करना। वाह हाँ, अभी आप लोग सिंगल हो ना, जब शादी हो जाएगी तो तुम्हें भी ऐसे ही बैठना पड़ेगा कैमरा लेके। कैमरा लेके नहीं बैठोगे तो खड़े रहना पड़ेगा ऐसे ही। अभी देखते हैं, आधा घंटा हो गया मेरे को यहाँ पे, इनकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। लेट्स वॉच। वीडियो बनाने भैया। यस अब शुरू हो गया इनका सीधा हाथ। ओह माय गॉड। अभी हम ब्लॉगर तो है नहीं, छोटे मोटे ब्लॉगर है, आने वाले टाइम में बड़े ब्लॉगर बनेंगे। पीछे भी ऐसे गोली बना देंगे। गोलू बना दो ना पीछे। गोलू नहीं भैया, ब्लॉग ये बनाते हैं हम, देखते हैं। है भाभी हाँ। आप दोनों के हाथ अब खड़े रहेंगे। जी मैंने हीटर में सुखा दिया अपने हाथ। अभी हम ऊपर डोम में भी जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे। हम झूला भी देखते हैं, झूलेंगे कि नहीं। ब्रेकडा झूलना फिर से हाँ, भाभी को भी झूलाएंगे जबरदस्ती वाली। जबरदस्ती आज हम दूसरे झूले में बैठेंगे। नहीं मैंने नहीं बैठना, तो मैं अकेला ही बैठ जाऊंगा फिर। ठीक है। इस क्यूटी पाई को लगी ठंड, तो ये क्या कर रही है? हीटर सेक रही है। ठंड के लिए नहीं सेक रही, फिर सुखाने के लिए सेक रही हूँ। मुझे तो नहीं लगता। सुन करो, सुन हाँ भाई, गुस्से वाली प्यार से भी देख ले प्यार से, कर ले स्माइल। तेरी मेहंदी अभी आपको अपने हाथ गंदे गंदे पड़ेंगे खाना खिलाने के लिए। मैं चम्मच से खिला दूंगा। तो चम्मच से बोलो, हाथ से ना खाओगे।
अरे भैया बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। दोस्तों तुम लोग देख रहे हो ना यहाँ तक, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये तो शारीरिक और मानसिक इम्तिहान होता है बंदे का। यार कुछ भी बोलते हो यार। साहिल को जितने हिंदी वर्ड्स आते होंगे ना सारे इस वीडियो में चिपका दिए साहिल ने। नहीं यार, हिंदी मेरी मातृभाषा है। लव हिंदी, वी लव इंग्लिश। वो तो इंग्लिश तो शौक है, प्यार तो हिंदी से है। मातृभाषा यानी माँ। पूरा गाय हमारी माता है। गाय आपकी माता है। बैल हमारा बाप है। बैल आपका बाप है। साहिल को नंबर देना पाप है। पापा वीडियो देखेंगे। पापा देख रहे हो ना आप क्या बोल रहे हैं। किसके पापा? मेरे पापा। ओह वो ससुर जी। ससुर जी माफ करना, ये तो पागल है। मैं पागल हूँ? सबूत है, किसने बोला था? रवि कहाँ है? रवि, रवि भाई घर पे गया सोने। सोने चलिए आप लगा दो, फ्री नहीं हो? फ्री हो ना, आप बुला लूँ मैं फिर, है ना? कोई नहीं, यहाँ बुला लो। तो आप लोगों ने शादी का व्लॉग नहीं बनाया अपना? अरे भैया उस टाइम व्लॉग ही नहीं बनाते, सबसे बड़ी गलती तो वही कर दी हमने। अब दोबारा करो। दोबारा कर लेते हैं शादी। रिग्रेट इस बार तो बिकना ही पड़ेगा, खुद को ना कुछ बेचना पड़ेगा बाजार में ना सारे सामान, उसके बाद शादी होगी इस बार। जी क्या बताओ? डोंट वरी। क्या है, देखने वाले समझदार हैं, उनको क्या बताना? क्या है वही पूछूं ना? अपना साइल भी लिखे ना। वो इस वाले हाथ में थोड़ा कम काम हुआ। जी भाभी। नहीं ऐसे ही होता है। अरे उनको फिक्र नहीं है, आप क्यों बोल रहे हो? बोलना पड़ रहा है। मेहंदी लगाई आपने देखो भाभी। भाभी दिखाओ अपना एंड रिजल्ट। सूखा क्या? सूखा क्या? वाओ ऐसे इसको दिखाओ तो मैं टच करूं। खराब नहीं सूखा अभी, गीला है ना? नहीं दिखाओ, इस साइड सूख गया। ठीक है, बेबी चाहिए, हार्ड हो गया थोड़ा सा। यस हमारी मेहंदी लग चुकी, कितनी सुंदर लगी देखो। भाभी हाथ खड़े करो, हैंड्स अप। छोटे छोटे क्यूट तेरे भी ऐसे ही हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मेले को, कुछ देखते हैं, शॉपिंग शॉपिंग करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। ठीक है गाइस आओ हमारे साथ। लुक एट द सी ऑफ पीपल। यस इतने सारे लोग। दिल्ली नहीं है दोस्तों, ये कुल्लू है, कुल्लू मनाली। यस वो है कुल्लू का दशहरा, अभी तक चला है, 7 दिन खत्म हो गए हैं, बट स्टिल इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग। 1 महीने तक रहेगा यह दशहरा यहाँ पे कुल्लू में। यह है कुल्लू का दशहरा। Thank you.
सारा खत्म हो चुका है। और हमें ना एक मेरी फ्रेंड मिली, बहुत ही पुरानी फ्रेंड है, बी एड में साथ होते थे, बट मैंने पता है उनको शादी में बुलाया ना, वो लोग शादी में तक नहीं आए। देखो ऐसे लोग भी होते हैं, देखो घूर के देखो उस पानी उधर दिखाओ जानते सारे। यस कोई बात नहीं यार, हम आपकी शादी में आ जाएंगे। पूजा जासपा, ध्यान से याद रखना, पूजा जासपा। ये मेरी शादी में बिल्कुल भी नहीं आते। अब इनकी शादी में ना मैं नहीं हूँ, मैं भी नहीं जाऊँगी। बदला पहले बोले बदला। अच्छा ऐसे बहाने अपनी मेहंदी दिखाओ दोनों। भाभी ऊपर करो हाथ, उल्टा करो। 100 बार रिप्ले हो जाएगा ये मेहंदी। कोई बात नहीं, तो देखिए गाइस अब हम लेते हैं, इनकी भी दिखा दो। आपने लगाई है? क्यों नहीं लगाई है? टाइम नहीं लगता मेहंदी लगाने गाइस। अभी हम कुछ खाने वाले, कुछ खा पी के हम उसके बाद मिलते हैं। बाय। अभी आप बताएंगे कैसा लग रहा है आज हमारे साथ घूम के? बहुत अच्छा। ठीक है, तो हम आपको व्लॉग में डालेंगे अपने। ठीक है, क्लियर कर दो। वैसे मैं फास्ट रखती नहीं हूँ ना, फास्ट तो मेरा है नहीं ना भाभी का है। हमारे कल्चर में वैसे फास्ट वगैरह उतना मानते नहीं है, बट वो अपनी अपनी श्रद्धा रखना चाहे तो हम रख भी सकते हैं। ठीक है, तो फिर मेरे पति की वैसे भी लंबी उम्र है ऑलरेडी। तो गाइस हम ढेर सारा खाएंगे बर्गर खाते हुए। भाभी आज तो करवा चौथ का फास्ट नहीं आपका है ना? और बर्गर खा रहे हो? भैया को बताऊंगी, रुको। यही वाला फास्ट है। हाँ देखिए, करवा चौथ के दिन हमारा फास्ट था, ऐसा वाला फास्ट। ये देखिए पति देव, ये तो अभी शुरू हुआ है। पिज्जा तो भूल ही गए दिखाना है। देखो करवा चौथ वालों, देखो ध्यान से, खाने का मन तो नहीं कहता है। कोई नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं, मतलब मेला छोड़ दिया। और जिस काम के वजह से हम आए थे और वो काम भी नहीं करना उसका करना। मम्मी जी चांद को अर्घ देते हुए, हम मॉडर्न जमाने के ना, हमारा करवा चौथ भी मॉडर्न टाइप का ही बनता है। मम्मी जी आप मेरे व्यूअर्स, सॉरी हमारे व्यूअर्स से कुछ बोलना चाहेंगे? कैसा रहा आपका करवा चौथ का फास्ट? वो देखो सामने। हाँ वहाँ देखिए, हाँ जी इसी के साथ हमारा व्लॉग एंड होते हुए, ये हम चांद का लोटा ले जाते हुए। तो गाइस मैं कहना चाहूँगी सभी को कि हमारा फास्ट बोलने के लिए जो फास्ट था वो बहुत ही अच्छा था, खा पी कर बहुत मज़े किए आज। तो गाइस आप लोग इसी तरह हमें ढेर सारा प्यार देते रहे। शुभ रात्रि, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। मम्मी जी गुड नाइट बोलो सब। गुड नाइट, टेक केयर गाइस, बाय।